बसमिलहमानर रहीम असम नाजरीन प्रोग्राम दूसरी में खुश आमद मैं आपका मेज़ान रज खान और आज की बुरी खबर ये है कि आई एम एफ ने बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत का पेश करदा प्लान जो है वो मुस्रद कर दिया है आई एम एफ़ की तरफ से कहा गया है कि बिजली के अगर बिलों में आप रिलीफ देते हैं तो इसके नतीजे में आपको तकरीबन पंद्रह अरब रुपये का जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो होगा और इसके साथ ही आई एम एफ़ ने यह भी पूछा है कि आप ये पंद्रह अरब रुपये कहाँ से पूरे करेंगे इससे पहले हुकूमत ने जो प्लान पेश किया था आई एम एफ़ को ये बताया था कि हम कोई साढ़े छः अरब जो रुपए हैं उनका रिलीफ देने जा रहे हैं लेकिन आइए मुझे कहता है कि नहीं नहीं आप दुरुस्त बात नहीं कर रहे आप गलत बात कर रहे हैं आप जो रिलीफ देने जा रहे हैं आप पंद्रह अरब रुपए का देने जा रहे हैं और जब आपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने हैं बजट के अहदाफ पूरे करने हैं तो आप फिर ये बताइए कि ये पंद्रह अरब रुपए आप कहाँ से लेकर आएंगे मैं बार बार एक बात कहता आया हूँ हर जगह पे कहता आया हूँ कि कोई भी वज़़रम हो चाहे वह अनवरह काकड़ हों चाहे वो सबक़ वज़ी अजम इमरान ख़ान हों या उससे पहले वजीर अजम नवाज़ शरीफ हों शहबाज शरीफ हों या हुक्मरान आसफ़ अली जरदारी उन्होंने ये सारे का सारा रिलीफ जो है उन्होंने आपको अपनी जेब से नहीं देना आपके अपने पल्ले से नहीं देना अपनी किसी फैक्ट्री से अपने किसी कारोबार से नहीं देना आपको जो भी रिलीफ मिलना है वह बहरहाल सरकार के खजाने से मिलना है अगर यहाँ पर कोई सबक वजीअम उठता है और पेट्रोल की कीमत दस रुपये कम कर देता है बढ़ाने की बजाय आई एम एफ़ के माहे की ख़िलाफ़ वर्सी करता है बिजली के यूनिट में पाँच रुपये बढ़ाने की बजाय कम कर देता है तो वो यकीनी तौर पर अपने अबा जान की कमाई से ये सब कुछ नहीं करता कौमी ख़जाने से करता है और जब वो कौमी ख़जाने से करता है तो फिर उसका पे करना पड़ता है क्योंकि आपके माहदे मौजूद हैं बैन अवीदे मौजूद हैं आप जब बिजली की कीमत कम नहीं कर सकते बढ़ानी है आप कम कर देंगे तो आप आपदा तोड़ देंगे माहदा तोड़ने के नतीजे में फिर आप उसकी कीमत अदा करेंगे जो आप अब तक अदा करते आ रहे हैं वजारत ख़जाना के जरा का ये कहना है कि हम आई एम एफ से दोबारा बात करेंगे हम प्लान देंगे और उसके नतीजे में एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बिजली के बिलों में किस्तें करने की इजाज़त दे दी जाए याद रहे कि अभी तक हुकूमत के पास ये इजाज़त भी मौजूद नहीं कि जो आपके बिजली के बिल आए हैं पिछले महीनों के Uh, मैं इस महीने की बात नहीं कर रहा जो भी आने हैं पिछले महीनों के जो बिल आए हैं हुकूमत के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो आज खुद उनकी किस्तें कर दे और ये आपको ये कहे कि अगले तीन से छः माह में आप जब सर्दियाँ आएंगी ये ज़्यादा बिल थे आप इसको आहिस्ा आहिस्ा साथ साथ चुकाते रहिएगा ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है और ये समझा जा रहा है कि शायद हुकूमत जिस रिलीफ की बात कर रही थी वो अभी तक दूर है इसके साथ ही हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है निगरान वज़ीअसम अनवार हक ने जो एक बड़ा फ़ैसला किया वो ये है कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया है ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो छः सौ अरब रुपये की बिजली है जो इस वक्त चोरी हो रही है और अगर ये छः सौ अरब रुपये की बिजली चोरी होना बंद हो जाए और इसका बोझ आम आदमी पर पड़ना बंद हो जाए तो इसके नतीजे में हम जिन गर्दिशी कर्जों की बात करते हैं हम उन गर्दिशी कर्जों पर बड़ी हद हाँ तक उसकी पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि अगले बरस जब पूरे बरस में हमने 1300 अरब रुपए गर्दशी कर्जों की मद में अदा करने हैं जो हम कैपेसिटी चार्जेस कह रहे हैं कि 1300 अरब रुपए अदा करने हैं तो 1300 अरब में से 600 सौ तो आप समझें कि यहाँ से निकल आएंगे तो वो लोड जो है जो प्रेशर है वो आप पर आ सकता है इसके साथ ही जो महंगाई के हवाले से और बिजली के बिलों के हवाले से मुहिम है और एहतजाज जब आगे बढ़ता चला जा रहा है जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सराजा हक की अपील पर एक बड़ी स्ट्राइक हो गई ताजर तंजीमों ने उनका साथ दिया अगर जो वो ताजर तंजीमें जमात इस्लामी के साथ वास्तव नहीं थी लेकिन उन्होंने उस कॉल पर लब कहा क्योंकि ये एक आम आदमी की कॉल थी वो समझ रहा था कि यह हड़ताल होनी चाहिए आम ताजर दुकान बंद रखना चाह रहा था कामयाब हड़ताल हो गई अब अगले मरले में जमत इस्लामी ने यह ऐलान किया है कि गवर्नर हाउसेज़ के बाहर धरने दिए जाएंगे चारों गवर्नर हाउसिस के बाहर बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ धरने दिए जाएंगे अब सवाल इस पर यह भी पैदा हो रहा है कि क्या एहत के ज़रिए आप बिजली की कीमतें कम करवा सकते हैं क्या इसका कोई तरीका निकल सकता है या इसका कोई और मुतबादल रास्ता निकालना होगा इस वक्त हम प्रोग्राम में जो मेरे पास यहाँ पर शुरुआए हैं उनसे का मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में खालिद प्राचा साहब मौजूद हैं माए मायरे मीशत हैं चीज़ों को बेहतर तौर पर समझते हैं खर्जा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर जॉइन करने के लिए इसके साथ ही यशरफ अहताफ़ साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़िया हैं इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है बड़ा हवाला है अभी थोड़ी देर में हमें प्रोफेसर डॉक्टर केलम भी ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त सबसे पहले अशरफ महताब साहब एक बुरी ख़बर आ गई आई एम एफ ने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा जी कि ये साढ़े छः अरब नहीं पंद्रह अरब का फ़र्क पड़ रहा है बताएं ये पैसे कहाँ से निकालेंगे आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि बिजली के बलों में कोई कमी कोई रिलीफ मिल सकता है रही, रही, बहुत शुक्रिया नजम भाई बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा इस वक्त आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा उसकी वजह कि हम पूरी तरह से जकड़े गए हैं इसके जो हमारे लासीज हैं इस मीशत के बवर में और उस पर ऊपर चलती का काम है आई एम एफ ने कर दिया है क्योंकि आपने उनसे कर लेने हैं उनकी शरायत माननी है तो आपको मिलने हैं अदरवाइज़ आपको पता है कि हम डिफ़ाल्ट होने जा रहे थे तो उससे हम बचे हैं तो सिर्फ इसकी वजह ही यही है सही अब हम अगर इसी पर रहे ना आज ये मीटिंग कल वो मीटिंग इधर कर लो उधर कर लो हम साढ़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो वो तो काम नहीं बनेगा सीधी सी बात आपने की कि जो बिजली की छः सौ अरब की चोरी होती है आप उसमें से अगर निसब भी कम कर लें तो तीन अरब कम तो नहीं है तो बड़ा रिलीफ है आप उसको उसके अंदर डालें और उसमें तो कुछ गरीब आवाम को रिलीफ दे दें दे, बिलों के अंदर और कुछ जो है वो आप उसके लिए जो सर्कल डेट है उसको कंट्रोल कर लें ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं है आपको शायद इलम नहीं है कि 600 अरब रुपए के करीब की आपकी चीनी भी एक स्मगल हो चुकी है अब तक पाँच छः महीने के अंदर चीनी की कीमत कहाँ चली गई है तो ये एक नहीं है ये पूरा एक सर्कल बनता है आप आठ अरब रुपया जो है बजट के अंदर से देते हैं उन अदारों को जिनका कोई कोई तशरफ नहीं है कोई फ़ायदा नहीं कोई नुकसान नहीं है ऐसे बैठे हैं लोग तनख्वाहें ले रहे हैं और बैठ के गप्पे मारते हैं या कोई थोड़ा बहुत जो कागजी कार्रवाई वो करके चले जाते हैं अब इसको आप डालें आपका जो आर एन जी है पी एस ओ के ऊपर मुख्तलिफ जो उन्होंने मैकमों से लेने खासतौर पर एस एन जी पी एल से लेने सात सौ चालीस अरब वो है आप जरा छब्बीस सौ चालीस अरब आपका सर्कल डेट जो बढ़ गया एक सौ इक्यासी अरब पिछले दो महीने के अंदर आपका बढ़ा है इसको ज़रा कैलकुलेट करें ये कितने पैसे बनते हैं ये तो चार सौ अरब से चार हज़ार अरब से भी ऊपर चले जाते हैं कहाँ कहाँ पर आप खच मारते फिरेंगे रिलीफ़ के नाम पर तो इसका आसान तरीका है कि भाई प्लग करें इनको आप कहते हैं बिजली चोरी सबसे ज़्यादा तो ये सरकारी दफातर बिजली चोरी कर रहे हैं बिल नहीं दे रहे बकाया जात उनकी तरफ सबसे ज़्यादा है और वो वहाँ पे टना टना ए सी चल रहे हैं वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे बिजली लाइटें चल रही हैं सारा कुछ सरकारी घरों के अंदर चल रहा है यार ये एक आसान तरीका यही है इसका कि फ़ौर रिलीफ़ का कि आप ये जो जितनी अल्ले तलल है चाहे वो सरकारी अफसर है या सरकारी घर है आप गवर्नर हो उसके बकाया ले जाए लेकिन पंद्रह अरब का आप मुतबाद हमें दे दें प्लान दे दें कि आपने ये मुतबाद पंद्रह अरब कहाँ से करने है देखो कहेंगे हम अगले दो महीने के अंदर पच्चीस फीसद बिजली चोरी कम कर लेंगे तो पंद्रह अरब तो कुछ भी नहीं है छह सौ अरब का पच्चीस फीसद निकाले ना कितना बनता है डेढ़ सौ डेढ़ सौ अरब तो आप वो अगर एक डेढ़ महीने के अंदर आगे सर्दियाँ आ रही हैं आप बिजली की चोरी की तरफ जाए यार आपके पास फोर्सेज सारी पड़ी हैं पुलिस आपके पास है ये आपके पास सो कार्ड जो आपके बिजली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर, कर करने वाले इदारे हैं इनके बंदे आपके पास हैं इंटेलिजेंस रिपोर्टें आपके पास हैं सारा कुछ आपके पास है जो अगर सबका प्राइम मिनिस्टर खड़े मजमे में होकर खड़े होके कह सकता है बड़े मजमे में कि पाँच सौ रुपये की बिजली चोरी होती है तो फिर ये उसको पता नहीं है कि ये कहाँ से चोरी होती है कौन चोरी कर रहा है डेरे को कौन चला रहा है बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज है कौन चला रहा है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ उसके अंदर जो दो नंबर कनेक्शन लगे वो कौन चला रहा है वो सीधे कुंडे डाले वो कौन चला रहा है तो ये सारा कुछ पता है और इनको पता है जो बिजली सप्लाई करने वाले जो जितने अदारे हैं क्योंकि उनका चूल्हा युद्ध से चलता है घर और जो रिश्वत ख्वानी अगर छः सौ अरब की बिजली चोरी होती है तो दो सौ अरब का उसमें रिश्वत ही जा रही है आप उसको भी ऐड करें तो आठ सौ अरब बनता है जो कि दो सौ दो सौ अरब जो है वो लोगों की जेबों से जाता है बिजली चोरी चोर जो है वो छः सौ अरब की चोरी करने के लिए दो सौ अरब दे देते हैं लेकिन वो छे सौ अरब की बिजली नहीं छोड़ रहे तो इसका यही मतलब है कि यह... आप ये फार्मूला पेश करेंगे छह सौ अरब की बिजली अगर आधी भी हम इसको पच्चीस तो... एक डेढ़ महीने सोलह तो अरब की बात ही कोई नहीं है हाँ। ये डेढ़ सौ अरब का आप रिलीफ तो दे सकते हैं अरब कितने सौ गुना आपको ज्यादा उसका रिलीफ मिल जाएगा तो जब बिजली आपके उधर आ जाएगी बिजली चोरी खत्म हो जाएगी वो बिल हमें नहीं पड़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल जाएगा हम तो ईमानदारी के साथ बिल देने वाले जो है चोरों के बिल दे रहे हैं भाई लेकिन बिल दे प्रेसो रहे हो सरकारी जो बड़े बड़े टिकेत हैं बड़े बड़े ये हाउसेज हैं बड़े बड़े दफातर चल रहे हैं बकाया जाती इन्होंने देने नहीं है ताई? ये इनके हम पेट भर रहे हैं भाई हम कमाते किस लिए इनको खिलाने के लिए इनके अल्लाह तल्ले पूरे करने के लिए इनके बिजली इनके बच्चे ठंडे रहे वो गर्म ना हो जाए हर कमरे में ए सी लगा हुआ है एक घर में अगर पांच कमरे हैं तो पांच डेढ़ डेढ़ टन के ए सी लगाए हुए क्योंकि उन्होंने बिल नहीं देना भाई उन्होंने सरकार की बिजली इस्तेमाल करनी है बिल नहीं देना तो किस तरफ जाएगा वो हम पे आएगा ना वहाँ पे आएगा गरीब आदमी पे ये इस तरह के प्रोफेसर साहब ये का ये दुरुस्त फैसला है कि अगर वो बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जिसका ऐलान किया गया वो करे शुरू करे शुरू करे ना अपने पा अपनी तरफ से शुरू करें अपनी बकाया था देने हैं उसके उसका काटे कनेक्शन डबल डबल तीन तीन रिसोर्स दिए हुए हैं यार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस बकाया जा देने तो किस चक्कर में वहां जो लाइटें चल रही हैं भाई गरीब के घर का एक महीने का बिल ना हो तो उसका आप मीटर उतार के ले जाते हैं ना की लकीरें निकलवाते हैं रिश्वत भी लेते हैं फिर जाके लगाते हैं उसे आप जाके पता करें लाखों को इस तरह से लोग रो रहे हैं बेचारे जिनके मीटर जल गए हुए हैं डिफेक्टेड है वो नहीं लगा रहे उनको एवरेज बिल रहे हैं और पिछले तीन तीन चार चार महीने छः छः महीने तक डाल रहे हैं सरकारी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है तो आप इसकी आदि या इसका एक चौथाई भी अगर रोकने में कामयाब हो जाए तो आप डेढ़ सौ अरब रुपए इससे हासिल करेंगे और डेढ़ सौ अरब रुपए से आप रिलीफ दे सकते हैं जो आप सिर्फ इस वक्त पंद्रह अरब की बात कर रहे हो और आई एम एफ को आई एम आपको पंद्रह अरब की इजाज़त भी नहीं दे रहा बाद ये बिजली सस्ती होने रही के, रही के हवाले से कि क्या बिजली सस्ती भी हो सकती है क्योंकि आगे यही सारा सिस्टम चल रहा है खालिद प्राइस साहब की तरफ चलता हूँ खालिद साहब बिजली सस्ती भी हो सकती है बस्मिल आपकी मैं आपकी आईएमएफ की बात से मैं एक बात शामिल करना चाहता हूँ कि हमने मुतालबा किया उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी ये 1914-15 चौदह या 20 के लगभग लामा इकबाल साहब ने एक मशवरा अपनी मशहूर नज़म खजरे रे दिया था वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने तन खाकी में जहाँ पैदा करे सही। जब तक हमारे तन खाकी में जान नहीं होगी दुनिया का कोई अदारा और मुल्क का कोई अदारा कोई डिसिप्लिन हमारे डिसप्लिन को कबूल नहीं करेगा देखें जी वापडा एक ऐसा इदारा है इसमें ये खराबी किसी आई क्यों है हमने ऐसे माहदे किए जिनमें हम हाइडल पे थे और हम नबे फ़ीसद थर्मल पे या रीनबल रिसोर्स पे या आयल बेस्ड एनर्जी पे चले गए ये एक कौमी जुर्म था हमने अभी कभी इसके बारे में सोचा नहीं ये एक आदमी से शुरू नहीं हुआ जब एक बड़ा मंसूबा लगता है तो फिर उसके पीछे कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं कई तरह की कमेटियाँ होती हैं कई तरह की मंजूरियाँ होती हैं ये सिर्फ़ वज़ी अज़म वापडा का वज़ी या चेयरमैन नहीं करता या कोई और नहीं करता इन सारे इदारों को आज तक कभी किसी ने बुला के पूछा कि जी ये जो मतलब एस या फोर्टी सेवन जो लगे हुए हैं आई पी पीज ये क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कितना कर रहे हैं उन्हें इतना करने का अख्तियार किसने दिया और वो किसके किस अख्तियार के तहत दिया और वो हमारे निज़ाम के सामने जवाब दे क्यों नहीं हैं और हम पूरी कौम उनके सामने जवाब दे क्यों हैं कि हम उनका गर्द गर्दिशी कर्जा दें हम उनको कैपेसिटी के मुताबिक पे करें और हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली जिसने इसे जिसने हमें हर तरह बेकार कर दिया है उसके हवाले से हम उनके सामने मतलब ना दस्त बस्ता हैं और अपने मुल्क का अपना फ़ैसला करने के लिए हम आई एम एफ का मोहताज हैं और वो भी एक ऐसा फ़ैसला जिसमें पंद्रह अरब रुपये सिर्फ लगते हैं ये पंद्रह अरब रुपये अगर आप इसका जायज़ा लेने ये कितनी बड़ी रकम है तो मैं अदब से या गुस्ताखी से जो भी इसको समझें कि पंद्रह अरब रुपये तो शायद ये लाहौर का जो पी एच है ना ये गमलों मिट्टी बदलने पौधों की तब्दीली में लगा देता ये पंद्रह अरब हमारे मुल्क के लिए इतनी पार्ट्री रकम है इतनी छोटी रकम है हम उसके लिए आईएमएफ के पास गए उसने इनकार किया है और हम फिर कौम का मुंह देख रहे हैं और मैं ये जो वादे शादे हो रहे हैं ये हिलजुल हो रही है इसे ट्रक की सुरख बत्ती के पीछे लगना या लगाना कह दे कह सकता हूँ बड़े आराम से इसका कोई मेरी समझ के मुताबिक उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलने वाला जब तक हम कई बड़े फैसले नहीं कर लेते और अगली बात यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मेकानिज़म इतना कमज़ोर है कि वो काफ़ी सारे लाइन लॉसेस करता है और हमारा महकमा जो है वो इतना कमज़ोर है कि हमारे लोग जो हैं जो ज़िम्मेदार हैं अफसर तो कभी खम्बे तक जाता ही नहीं है और जो नीचे वाले लोग जाते हैं वो किसी का मीटर बदलते नहीं हैं किसी से पूछते नहीं हैं और हर घर से उनकी मंथली लगी हुई है और मंथली बेसिस पे काम चलता रहता है। इस वक्त चूंकि बात हो रही है बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से और इस ऑपरेशन में आ, सबसे ज़्यादा जो अहम है आ, वो बिजली का महकमा ही है वापडा ही है उसके मुलाजमी नहीं है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चोरी अगर होती है तो ये चोरी आ, उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक आपका लाइनमैन साथ ना मिला हुआ हो किसी भी इलाके में कोई जुर्म हो रहा है तो किसी एस एच ओ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता कहीं पर बिजली चोरी हो रही है तो उस इलाके के लाइन मैन की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती उसको सब पता होता है एक एक घर का पता होता है इस पर बात करने के लिए वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सबक रहन हैं सबको लीडर हैं साजिद कासमी साहब हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साहद साहब असल जी वाईकम साहिद साहब एक बड़ा फैसला हो गया हुकूमत यह कह रही है कि हम बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं बिजली चोरी के खिलाफ बहुत शुक्रिया अशरफ महताब का शुक्र गुजार हूँ महकमे के लिए बड़े रा, राइट टाइम पर आवाज बुलंद की बहुत खुशी की बात है की बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमत फैसला करेगी आई एम एफ चाहे उसने आई एम एफ के कहने पर किया है हम तो बड़ी देर से चीखों पुकार कर रहे हैं के बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन होता ही नहीं अभी आज की बात है एक्शन शालामार आमिर नवाज और सलाउदी एसडीओ शालामार को अदालत में वकला ने मारा है वकला गर्दी का शिकार हुए हैं उन्होंने बिजली चोर को एक करोड़ दो लाख रुपया बिल डाला था उसने अदालत में केस किया अदालत में वो गए बेचारे इंजीनियर थे वकला ने उनको मारा है अदालत में अब अदालत के बाद ये लोग किधर जा सकते हैं मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि कोर कमांडर लाहौर मुझे एक फौज का ट्रक दे, मैं इनके इनके सनती कनेक्शन इनके ट्यूबवेल कनेक्शन इनके घरों के कनेक्शन, जो बासर तबका है चोरी का चोरी करने वालों का मैं चोरियां पकड़वाता हूं लेकिन चै? ये कभी हो ही नहीं सकता कि बासर तबका पकड़ा जाए आज फरनस वाले ने इतनी जबरदस्त गुंडागर्दी की है सीना चोरी की है कि उसने अदालत में ही अफसरों को मार दिया अभी ये बुजुर्ग बैठे हैं आपके पास ये फरमा रहे हैं कि मंथलियां लगी हुई हैं इनके नुकता नजर से तो फिर सारी कौम ही चोर है ऐसा नहीं है नहीं साहब एक बात है जो बिजली चोरी होती है वो लाइनमैन की बर्दी के बगैर तो नहीं हो सकती क्या हो सकती है मैं चोर हैं चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं है अदालतों से हम केस करते हैं पचास हजार से ज्यादा हमने एफआईआर दर्ज करवाई है आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ इसका मतलब है अदालती निजाम कमजोर है हम मारे खाए सिस्टम से बचे सिस्टम हमारी जान लेता है या मजूर कर देता है उससे बच जाए तो गुंडे बदमाश हमारी जान के दर पे होते हैं हम किधर जाए अदालत से हमें तो आपस नहीं मिल रहा ये आई एम एफ के कहने पर अगर सख्त एक्शन लेती है गवर्नमेंट तो बिस्मिल्ला ये बहुत अच्छी बात है अशरफ महताब की बात की मैं तयद करता हूं कि कोई सरकारी महकमा बिल पे करने के लिए तैयार नहीं है इनको पकड़ें इनको चेक करें जो अशरफ महताब ने कहा है कि इनके घरों के इनके दफातर के जो बिजली के मामलात हैं और जो बिलिंग है सौ फीसद रॉन्ग है गलत है लेकिन कोई पकड़ ही नहीं है कोई कानून ही नहीं है हम किधर जाए हम एक नत्ता लाइनमैन एक नत्ता बिल्डिस आप कितने है? मुसलसल कंटिन्यू डेली बेस पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कभी डिस्ट्रीब्यूटर को कभी लाइनमैन को और कभी मीटर रीडर को मार पड़ रही है आज की बात है दो ऑफिसर को 19 ग्रेड का ऑफिसर है उसको मार पड़ी है अगर वो साइडों पर नहीं जाते तो मसूफ जो आपके पास बैठे हैं इनको बताएं वो साइडों पर जाते हैं तो उनका ये हाल है अब कल वो ये एहतजाज होगा वो कह देते हैं कि हमने जी काम नहीं करना तो सिस्टम कौन चलाएगा कानूनीत की बे इंसाफी की इंतहा है जितने इनके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आई पी पी एस का जिन्होंने जवाब लेना था वही तो आई पी पी एस वाले पाकिस्तान में भी कुछ बैठे हुए हैं जो उसके मालिक हैं जो सिस्टम का हिस्सा है उन्होंने क्यों कि इसको चेक करें सबकी कमीशन लगी हुई है अगर इवानों में बैठे बिजली चोर सीना जोर बदमाश गुंडे अगर मुल्कों मिल्ल के लिए सोचना छोड़ दें छोटे बेचारे तो दहशत से ही मारे जाएंगे कि यार बड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं तो हमारा क्या असर होगा जब बड़े बड़े नहीं जाते तो छोटा भी सीना जोर हो जाता है सही 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 यानी कि आप ये समझते हैं कि जो वाइडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन है सीबीए है उसकी तरफ से या मजदूरों की तरफ से आप वेलकम करेंगे बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन को जितना भी होगा मैं अशर मैं आपकी हर बात की तैयारी कर रहा हूं मैं आपकी तयद कर रहा हूँ नहीं आप वेलकम करेंगे से और चाहे आपके चाहे आपके लाइनमैन भी इसमें पकड़े जाएं साथ साथ और बात चोरी करवाने वाला भी है ना बिजली चोरी ऐसे ही तो नहीं हो जाती की मर्जी के बगैर जुर्म नहीं हो सकता और लाइनमैन की मर्जी के बगैर चोरी नहीं हो सकती चोर और उसका सहूलतकार हाँ जी बराबर मुजरिम है उनको बराबर की सजा दी जाए लेकिन पकड़ेगा कौन वो सरकार कर रही है ना उसका बंदोबस्त कर रही है वो वजीर ने ऐलान किया है सरकार के पल्ले कुछ नहीं है सरकार अच्छा? ने छिहत्तर सालों में ये पहले वजीर आजम है काकड़ साहब हेलो जी हाँ जी पहले वजीरजम कैसे हैं इससे पहले भी बिजली चोरी के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हुए हैं उन्होंने तो सच बोला है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है मैं एक रुपया ना दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ आई एम एफ आप सरकार आई एम एफ की मर्जी के बगैर इसका मतलब है हम गुलाम है हम आजाद है ही नहीं है हम उनके मरहूने मिन्नत है हमारे हुकूमत हमारी सालों से हमें बेच रहे हैं खुद याशियाँ कर रहे हैं और हमें उन्होंने थोड़े थे हफ्ते बेच देता उन्होंने सर सारी बेची जा रहे हैं ना आपका मैं कह रहा हूँ आपका करप्ट स्टाफ भी तो बेच रहे हैं ना साथ साथ सिर्फ वही तो नहीं बेच रहे आप भी बेच रहे हैं अगर आपका मसला हल होता है कौम का मसला हल होता है मुल्क का मसला हल होता है तो पहले आप मेरे साथियों को मेरे यूनियन के साथियों को मेरे मुलाजम भाइयों को पहले आप उनको फटे पे चढ़ा दें फिर बाद में इन चोरों को पकड़े ऐसे मुमकिन है चोरी तो हमने ही पकड़ दी है सही है पकड़े ना फिर 600 अरब की चोरी हो रही है साजिद काजी साहब और 600 अरब की चोरी करवा के 200 अरब आप लोगों की जेबों में जा रहा है ना कहीं और तो नहीं जा रहा अरबों रुपया चोरों को अगर इनको मिलता होता बेचारों को तो ये भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं तो आपने कैसी बात कर पंद्रह हजार दे लाख रुपए की बिजली चोरी कर लें। ये तो रेट फिक्स है मुख्तलि आपको पता नहीं। ही नहीं है अब तो सिंगल मीटर के ऊपर चालीस चालीस हजार रुपया ले रहे हैं लगाने का सिंगल मीटर लगाने का रेट चालीस हजार है सिंगल सिंगल फेज मीटर लगाने का रेट चालीस हज़ार रुपया साठ हज़ार उसकी सरकारी फीस मैं मैं कुछ कह दूं मैं मैं इसमें दो बात तीन बात मैं बिल्कुल जी हमें जॉइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम ने भी उनकी तरफ आप आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर बिजली दो तीन बातें कहने जी पहली बात यह है कि मुझे एक कपड़ा बनाने वाले इंडस्ट्रियस ने कहा कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ थान और एक भी निशान आ जाए तो एक्सपोर्ट नहीं होता है उसने कहा चौदह लाख रुपए हर महीने में बापडा के एहलकारों को देता हूं कि मेरी बिजली बंद ना करना बिजली तो बंद ना करें ना क्यों तो ना करें ताकि वो जैसे बंद करेगा कपड़े में अच्छा आ जाएगा तो वो सो सिर्फ बिजली चोरी के इश्यूज नहीं है अब आप ये जो बात है कि सत्तर फीसद लेबर लीडर साजिद लेबर लीडर सुन सत्तर फीसद चोरी जो है वो सरकार के दफ्तर करते हैं अच्छा सरकार करती है जिसमें रेलवे भी है वापडा भी है और भी हैं। कुछ आपको पता है कुछ आपको नहीं पता अच्छा बीस फीसद कुछ के लोग जो, जाते जो एवानों में बैठे वो आपकी तो पार्लियामेंट की होती थी चेयरमैन मिर्जा उसके हस्बैंड भी पार्लियामेंट के थे सिंध से मिर्जा की बात जी करें। जी, उन्होंने अभी तक बिल नहीं दिए अपनी फैक्ट्रियों के कई साल हो गए एक नाम ले रहा हूं और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बीस दस फीसद है आम लोग जो कुंडियाँ लगा के या मीटर चोरी कर रहे हैं वो सारे जो आपने कहा है उसमें दस फीसद वो हैं वो भी चोर हैं मैं ये नहीं कह रहा सवाल ये है कि जब आप पे ये इतना बोझ टैक्सों का उनके चोर तो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आपका एक ए तो चले और मुझे पिछले महीने बिल आया है जिसमें कोई तस्वीर नहीं है और मैंने अपनी तस्वीर वो देखा मीटर तो साढ़े तीन सौ यूनिट एक्स्ट्रा डाला हुआ है वो लाइन मैन ने सिर्फ डाला है मैं एग्री कर रहा हूं कि सिस्टम होने वाला है अब आईएमएफ क्या कह रही है उसमें भी उस पे भी आते हैं साजिद से सुनिए आपने शिकायत की यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वो भी पैसे दे रहे हैं यहां पर आम बंदा भी पैसे दे रहा है दे रहे हैं वो सारे प्रोफेसर साहब ने मेरी ही बात की है उन्होंने प्रोफेसर के अंदाज में बात की है बड़े मुदब्बर अंदाज में की है कि जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मिलों वाले हैं शुगर मिलों वाले हैं वो ये काम करवाते हैं है। कि हमारी बिक्री ना जाए वो पैसे देते हैं और वो ये काम करवाते हैं लेकिन उस टेक्सटाइल मिल वाले को पहले आप पकड़े फिर मेरे लाइनमैन को भी पकड़ लें अगर आपने सिर्फ लाइनमैन भी पकड़ना है तो फिर यह तो जाती है ना अच्छा सही है सिर्फ लाइनमैन को पकड़ना है वो ज्यादती है पहले जो चोरी कर रहा है उसको पकड़े अच्छा सही साहब मेरे दोस्त है, मैं बड़ा शुक्रिया करता हूं। इनकी से मुझे लगा है मुझे नार। लेने और देने वाला दोनों दोस्त की है यही बात एक सरकारी मुलाजम से की गई भी यार दोनों ही दोस्त की लैंड मजबूरी हो सकती देने वाला ना देने वाला ना लेनाल मजबूरी हो सकती है अशरफ साहब अशरफ साहब

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਆਸਟਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹਾਂ ਆਪ ਹੋ ਜਾ ਪਕੜ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈ लेकिन वो जिसने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान किया उसको क्यों नहीं पकड़ते आप उसको भी पकड़ना, पकड़ना चाहिए बिल्कुल पकड़ना, पकड़ना, पकड़ना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर जो है यही बात हो रही है कि जो जो भी चोरी कर रहा है उस पर ऑपरेशन हो और जो बात की जा रही है कि 600 अरब रुपए की चोरी हो रही है अगर आप इसमें से वन फोर्थ भी हासिल करने में कामयाब हो जाए इसको रोक लें तो डेढ़ अरब बनता है और डेढ़ अरब जो है उस पंद्रह अरब से दस गुना है जिसके लिए हुकूमत को जवाब हो गया है और पंद्रह अरब है क्या वाकई सही बात की जा रही थी पंद्रह अरब में आज आप एक एक्सप्रेस वे या कोई बड़ी सड़क बनाने जाएँ तो पंद्रह किलोमीटर नहीं बनती बाकी इस ब्रेक के बाद जो बुरी खबर है वो ये है कि आई एम एफ ने हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में कमी के लिए जो प्लान दिया गया था उसको मुस्रद कर दिया और आई एम एफ ने यह कहा है कि आप साढ़े छः अरब की बात करें ये साढ़े छः अरब का रिलीफ़ प्लान नहीं है बल्कि इसके अखराजार जो हैं कोई पंद्रह अरब के लगभग हैं और आप हमें ये बताएं कि आप इसका मुतबादल जो रेवनीू जनरेशन है वो कहाँ से करेंगे और टैक्स के या बजट के जितने भी अहदाफ़ हैं वो कैसे पूरे करेंगे इसके साथ ही सवाल ये भी पैदा हो गया कि बिजली सस्ती हो भी सकती है या नहीं या हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और ना वज़ी अजम कुछ कर सकता है ना काबीना कुछ कर सकती है ना नेपरा कुछ कर सकती है कोई भी इदारा कुछ नहीं कर सकता जब तक आई एम एफ़ से मंजूरी ना ली जाए और आई एम एफ ये कहेगा कि अगर आपने ये पंद्रह अरब यहाँ पर खर्च करने हैं तो मुझे ये बताएं कि ये पंद्रह अरब आप मुतबाद दूसरी जगहों से कहाँ से लेकर आएंगे यानी कि अगर आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी तो उसके नतीजे में एन मुमकिन है कि आपका पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो जाए आपके किसी और जगह पर जी में इजाफ़ा हो जाए कहीं और इजाफा हो जाए जाहिर है किसी भी हुक्मरान ने आपको अपनी जेब से रिलीफ नहीं देना वो टैक्सों से देगा या कर्ज़ों से देगा कर्ज़ों का जवाब हो गया अब बाकी रह गए टैक्स वो आपने देने हैं बुनियादी सवाल फिर वही है और प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम इन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है खालिद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अशर मेहताब भी मौजूद है मुझे डॉक्टर साहब कि बिजली सस्ती होने का सवाल है बिजली सस्ती हो सकती है लेकिन जी अगर आप एस डी जीज में जाएँ सेवन तो वो एक सेंटेंस में कहता है चीप एंड क्लीन एनर्जी सही सोलर क्लीन एनर्जी है विंड क्लीन एनर्जी है वाटर क्लीन एनर्जी है बायो क्लीन एनर्जी हैं आपके पास ये सारे ठीक है समुंदर की लहरें भी हैं एंड सच फोर्थ आपने क्यों जो है फॉसल फ्यूल के ऊपर एक मेजर चंक ऑफ और वो भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है आपने क्यों जो मशीनें हैं बिजली बनाने की आई की वो सेकेंड हैंड रखी हुई हैं जहाँ एक रुपया इन्वेस्ट होता है पच्चीस पैसे की बिजली भी, आती है तो वो आपका इनपुट आउटपुट रेशो ख़राब रहता है आपके ये ये बाकी चोरी चोरी बोरी तो अपनी जगह है सही ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक ख़ास लेवल पे जिसमें चाइना भी है टू समस्टेंट इंडिया भी है कि खास लेवल पे मुफ्त की हुई है बिजली सो ये नहीं है वेर इज़ अ वेल इज़ अ वे मगर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी यही पैसे जो आपने बचाने हैं या आप रिलीफ देना चाहते हैं यही पैसे नई टेक्नोलॉजी पर लगा दें आप लोगों को एक खास लेवल पे घरों पे सोलर पैनल लगाने की इजाज़त दे दें रिवर्स मीटर्स लगाने की लोग पैसे भी कमाएंगे बिजली भी उनकी मुफ्त हो जाएगी आपके ग्रिड से भी निकल जाएंगे और आपको बिजली पैदा भी कर देंगे सवाल सिर्फ इतना ले है कि ये मुश्किल है, है।, है अगर आपको सोलर पे मुंतकिल कर दे तो वो जो मुदे के तहत पाबंद है कि आईपीपी से उसने बिजली खरीदनी है फिर वो आई पी पी पाबंद है उसदे के तहत तीन महीने का फ्यूल रखेंगे कौन से आईपीपी ने तीन महीने का फ्यूल रखा? रख देना है सवाल यह है कि वो भी आपके मुआवदा पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं

तो ये सडनली आपको रेस्पेक्टेडिली ये सारे के सारे जो है इसमें रिलीफ जो है हंड्रेड परसेंट जो है आ, 90 तो मैंने कर दिया ना वन थर्ड हाँ थर्टी थ्री परसेंट तो आवाम पे सिर्फ वो रह गया आ, आ, आपने परसेंट जो है वो शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट 66, कर दिया। हाँ। मगर विल होनी चाहिए ना अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के पास विल नहीं है उसने तो नहीं इलेक्शन में जाना ये तो वो लोग government. तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब की जो अनअलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होती उसने वो वो है उसने सा वोट देने वो बड़े स्टेप ले सकती है कर सकती है, है मगर ए, 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 ये जो गवर्नमेंट आई हुई है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि नॉन इशू है का वो उन्होंने बाद में किसी मिनिस्टर सुलोंगी, सुलोंगी ने कहा कि मगर जिसके मुँह उन्होंने जो कहा वो यही बात कमेंट करना बिजली आपको दो हजार उनतीस से पहले नहीं मिल सकतीस से पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ उसकी वजह है आपके जो ज्यादातर वायदे हुए हैं वो 2029 हजार उनतीस और तीस में जाके मुकम्मल होने दो हजार उनतीस और तीस में एक अच्छी खबर यह है कि तीन डैम आपके मुकम्मल होने हैं तीन डैम से आपको दस हजार मेगावाट बिजली मिल जाएगी और वो दस हजार मेगावाट आप वहां दो हजार उन्तीस तीस तक हाँ जी और वो दस हजार प्लान है कि हाँ, अभी, अभी ये होने है ना ये सात आठ साल तक उस वक्त तक तक दस हजार मेगावाट बिजली की डिमांड भी तो बड़ी भी होगी ना नहीं बड़ी मैं आपको बताता हूँ आपके प्रोग्राम में ही पिछले प्रोग्राम में वो बंदा जो आया था नहीं सर हमें जाना तो है नहीं है उसके बाद चोरी की बात हो रही है चोरी है एक लॉ बना दें कि इंडस्ट्री एक दूसरे को बिजली बेच सकती है सही है तो निकल जाएगी ग्रिड से आपके ज्यादातर जो आप कह रहे हैं ग्रिड से जितना निकल जाएगा उतना ही सस्ता होता चला जाएगा होता क्योंकि आप लेकिन दो हजार तीस से पहले आप कुछ नहीं निकाल सकते आपने वो बिजली लेके बेचनी है लोगों से पैसे टैक्सी है। देने हैं टैक्सी लोगों से पैसे आने हैं तो फिर अगर वो निकाल देंगे के खिलाफ एक्शन होगा तो इसका नतीजा ये ना निकले कि हमारी ताजर तंजीमें वैसे ये कहती चली आ रही है कि जनाब चोरों के हाथ काट दें चोरों के हाथ काट दें बिजली चोरों के हाथ काट दें नई मीर साहब बार बार कह रहे हैं अब ये कहीं ऐसा ना हो

जिन चोरों ने डाकुओं ने मुबतला किया हुआ है अच्छा। और जिस तरह पाकिस्तान के आवाम की जिंदगी की हुई है और महंगाई का शिकार किया हुआ है और खुद लूट मार कर रहे हैं तो ऐसे ताजर जो है उनके हाथ नहीं काटने चाहिए उनकी तो गर्दनें काट दें आप आप स्ट्राइक की कॉल तो नहीं दे देंगे मैं स्ट्राइक की कॉल तो तब दूंगा जब इनकी गर्जने नहीं काटेंगी जब चोरों को पकड़ेंगे नहीं जब लुटेरों को आप काबू नहीं करेंगे तो फिर मैं हड़ताल और एहतजाज करूंगा इस पर तो मैं खुशियां मनाऊंगा बल्कि मैं लुढ़िया डालूंगा बल्कि मैं मिठाइयां बांटूंगा नहीं वो लुडिया तो आप डालते रहते हैं आपने बजट आने पे भी लुढ़ियां डाली थी और उसके बाद पता चला कि यार लुडिया उल्टी गले पड़ गई हैं मुझे एक बात बताइएगा इस वक्त इस वक्त जो नई मीर साहब ताजरों ने आपकी क्यादत मानने से इनकार कर देना है आपके इस बयान के बाद सुने मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बता दूं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से आगे और कुछ भी नहीं है सही। ना ताजर ना ताजरों की सियासत ना नई मीर की जात ना नजम वली खान हम सब जो है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान है तो अगर पाकिस्तान के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है तो इस कदम को वजीर आजम साहब उठाएं मुझे शक शुबा तो इस बात का है कि इन्होंने ये काम करना नहीं है लेटर और स्प्रिट के अंदर और क्योंकि आज तक रियासत जो है उसकी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो बिजली चोरी को रोक नहीं सकी और बिजली चोरों को पकड़ नहीं सकी आज तक की सबसे बड़ी नाकामी है की और अगर ये जिसके कोई सियासी अजय नहीं है और ये एक निगरान है और इसको मकबूलियत की कोई परवाह नहीं है अगर ये, भी ये काम ना कर सकी तो फिर पाकिस्तान में बिजली चोरी कोई हुकूमत नहीं रोक सकेगी यानी कि आप बतौर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजमन ताजरान पाकिस्तान ऐलान करते हैं कि बिजली चोरी करने वाले जितने ताजरान उनके हाथ नहीं उनकी गर्दनें काट दी जाएं पकड़ लिया जाए उनको भाई मैं तो यहां तक कह चुका हूं चौकों चोराओं बंद को कोड़े भी साथ मारे जाए मैं तो यहां तक कह चुका हूँ कि इनकी जायदादें जब्त की जाए क्योंकि जो बिजली चोरी की है इन्होंने वो आज की चोरी नहीं कर रहे जो पकड़े गए हैं इन्होंने ये सरदकार जो है तौर पे इन्होंने बिजली चोरी कर करके अपनी एम्पायर बना ली हैं गैस चोरी की है बिजली चोरी की है टैक्स चोरी किया है और भाई अगर आप चोरों को नहीं पकड़ेंगे इन लुटेरों को नहीं पकड़ेंगे तो पाकिस्तान के अवाम को आप रिलीफ दे ही नहीं सकते किसी सूरत क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है रियासत के पास तो पैसा ही नहीं है तो रियासत तो इन लुटेरों से लूटा हुआ माल जो है वो वागुजार कराए और अपने गरीबों मुस्तकिन के अंदर जो है उनको रिलीफ दें सही बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नही मीर साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल मैं कोई स्ट्राइक की कॉल नहीं दूंगा बल्कि स्ट्राइक की कॉल तो उसको दूंगा अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो माशाल्लाह जज्बात ये काबिल कदर है खालिद खालिदा साहब ये इस तरह अगर ऑपरेशन शुरू हो जाए तो करप्शन रोकी जा सकती है बिजली चोरी रोकी जा, जा सकती है मैं दो तीन बातें इकट्ठी हो गई हैं मुझे सारी करने की जी जी प्लीज पहली बात जी के कुरान ये कहता है कि करप्शन इनफरादी अमल नहीं है एक करप्शन करने वाला होता है एक कराने वाला होता है एक उस पर छतरी ले कर खड़ा होता है और एक दूसरों को उस राह पे जाने नहीं देता रास्ता बताने वाला या रास्ते से भटकाने वाला होता है सही। अब मैं इसकी आपको ना मिसाल से ज़िक्र करूंगा एक कि एक वापडा वाले आदमी ने मुझे बताया कि एक वज़ीर साहब वो भी वजीर रहे उनके बेटे बेटी भी वो हमारे यहाँ पोलिटिकल दायर जिस तरह फैमिली होती हैं वो कहता है कि मैं उनके घर गया तो उनका मुंशी उनके पाँच छः सात आठ मीटर लगे हुए हैं और सारों का औसत बिल आता है दो हज़ार पंद्रह सौ अठारह सौ बाईस सौ ये बिल उनके सारे आठ दस ट्यूबवेल समेत औसत बिल आते हैं तो मैं उनके घर हर दफ़ा मतलब जो जो भी पोलिटिकल होता है तो टेने हुकूमतें बदल जाती हैं बाद लोग बदलते नहीं हैं टेनेर के साथ हुकूमतें बदलने से बाद लोगों के इख्तियारदार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो साहब मौजूद थे तो मैंने ज़ुरत की और उनके पास चला गया मैंने कहा मियाँ साहब ये मैं लैंड मैन हूँ यहाँ तीन साल थे और आपके इन आठ बिल्लों को यूँ यूँ मैं कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए तो उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया कर मुंशी को बुलाओ ये कौन कर रहा है काम तो खबरदार जी आइंदा ये मेरे घर में नहीं होगा उन्होंने कहा मैं अगले महीने फिर गया मीटर चेक करने वही मुंशी वही मैं वही बिल वही रीडिंग तो ये एक है हमारा नुमाइशी तरीक़ेकार जो उन्होंने उस मजलस के रंग के मुताबिक किया फिर उन्हीं साहब का सीएनजी का पंप भी था सुप्रीम कोर्ट में आपको भी याद होगा नजम साहब इफ्खार चौधरी साहब ने बड़े टो तो मोटो लिए थे उन्होंने पूछा कि सीएनजी का पंप पे और सुई गैस का बिल आठ हज़ार आता है या पचासी सौ रुपया आता है और ये तो एक एक दिन का बिल होता है सीएनजी के पंप के पंप का इतना तो बात ये सुप्रीम कोर्ट से पीछे चली गई क्योंकि मैंने कहा कि करप्शन अलग अमल नहीं है उसके सारे शामिल होते हैं। से एक जो कुछ पैसे लेके आंखों में और पचास हजार मुकदमा करवाए गए हैं एक में सजा नहीं कुछ अफसर भी होते हैं जो इस तरफ जाने ही नहीं देते बात को और वो रास्ते में जिसे पंजाबी में कहते धूल में टट्टू भगाते रहते हैं सही। नहीं तो। आपकी खर्चा बड़ी अहम बात है कि तो। अगर एक एक्सियन और एक जो है, उसकी मर्जी मंशा और छतरी ना हो तो एक लाइनमैन किस तरह बिजली हाँ चोरी करवा सकता है इस बारे में ना एक बड़ा मेरे दिन में बात आ गई है तो कि जी अपनी मिनकों से खुद कसते हैं फंदा जाल का टायरों पर सहर है सयाद के इकबाल का ये आई पे भी हम लगा सकते हैं वजीर पे भी लगा सकते हैं और आप पे भी लगा सकते हैं कि आप भी अपना सवाल जिधर जवाब जाते हैं उधर सवाल ले जाते हैं तो आप भी हमारा फंदा कसते रहते हैं नहीं हम तो सवाल करते रहते हैं आप जिधर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं हाँ, आप पे भी अच्छा, मर्जी है तो आपके जवाब हाँ, को कोई नहीं रोकता हाँ, तो बात करने का मतलब ये था कि जी ये सारे लोग अगर ये जो है ना जी लिंक ये सारा सारे का सारा पड़ेगा इस नेक्सस को करप्शन से मतलब आपको मिनट हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने तीन रिहायश गांवों पर कब्जा किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जज सही और उसके तीन जगह के बिल आ रहे थे तो एक रेजिडेंस का एक कराची रेस्ट हाउस का एक जगह उनका दामाद अफसर था वो रेस्ट हाउस पे लगा हुआ था बुकिंग उनके नाम पे थी वो काफी सारे जब बिल हो गए ना ना, सारा, तो सारा एक, एक सदर ने उसके लिए कानून नाविज किया कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बिल छोड़ जाए तो वो हुकूमत अदा करेगी तो हमने एक आदमी के लिए कानून भी बनाया ये सारा कुछ हम करते रहे और की की का मैं एक बड़ी बड़ी मिसाल देता तो बड़ी पॉपुलर रही है ये बात है कि हमारे ख्वाजा थी तो उनकी खावन की फैक्ट्री थी जिसका बिल करोड़ों में था तो वो शौकत नजीर साहब के पास चली गई उन्होंने कहा जी इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते तो फिर कहा क्या, क्या करना है उन्होंने कहा जी इसकी किस्तें करवा दें पहले तो उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के उस मुतलका जो एम डी थे उनको करवाया फ़ोन और कहा जी ये बिल का कुछ करें कम करते उन्होंने कहा ये चला हुआ कम कैसे हो सकता है कहते जी रिलीफ देना है इनको जितनी मर मर्जी दे तो फिर ये क्या हुआ कि जो करोड़ों का बिल था तीन हज़ार रुपये किस्त हुई मेरा ख्याल अगर तीन हज़ार रुपये किस्त होती तो वो खतून भी इस दुनिया में चली जाती बंदा भी चला जाता क्योंकि तीसरी नसल जाके उतारती क्या ये सहूलत जो थी आम आदमी के लिए है जिसका मीटर आप काटते हैं वो अभी भी है साहब का वो खारजा तो नहीं थी लेकिन वो मशीर जरूर रही है तो ये जहाँ पे इस तरह के जो कायदे और ऊपर से तो फिर जी, क्या हो जी मेरा यकीन है और हर दफा कहता हूँ की इस मुल्क में गरीब को लूटा जाता है अमीर के घर चलाने के लिए सही और ये है सारा सिस्टम ये तो आई एम एफ के जोदेदार है उनसे भी मंसूब किया जा रहा है बयान कि हुकूमत जो है गरीबों पर टैक्स नहीं लगा रही अमीरों को फेसिलिटेट कर रही है कर रही है तो यहाँ पर हल क्या है कैसा बात इसका बात है, कोई एक बड़ी गंभीर सी हाल है चीनी महंगी हो रही है डॉलर महंगा हो रहा है इकोनॉमी बैठ रही है हल क्या हल मखलूत हुकूमत नहीं है हल जो है एक आपको मजबूत हुकूमत प्रपोशनल रिप्रजेंटेशन पे आनी पड़ेगी ऐसी प्रो पीपल गवर्नमेंट जो चीज़ों को देखें दो बातें हैं ना एक बात तो यह है कि ये प्रॉब्लम सारी और इसके अंदर रिश्वत और ये दूसरी तरफ लोगों को कैपेसिटी कमाने की भी तो दें ना आप लगाएं टैक्स रैशनल होने चाहिए वो टैक्स मगर लोगों को आपकी तो इकोनॉमिक कैपेसिटी ही नहीं दे रही लोगों को इनकम जनरेट करने की मिडिल क्लास भी अब इतना पेट्रोल का बिल और इतना बिजली का बिल और इतना गैस का बिल अब नहीं दे सक रही 24 लाख मिलियन थे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल थे कल मुझे रिपोर्ट मिली कि 36 मिलियन हो गए 10 मिलियन लोगों ने अपने बच्चों की फीस हम नहीं दे सकते निकलवा दिया तो इसका फिर लोगों ने बच्चे बेचने शुरू कर दिए हैं अब वो बच्चे कौन खरीदेगा टेररिस्ट तो आप जरा एक बात तो देखें ना कि एक आपका इकोनॉमिक गलत फैसला जो है ये बिजली के बिलों का इसका जो रिप्रिकन है पॉलिटिकल भी है इकोनॉमिक भी है लॉ एंड ऑर्डर का भी है और सोशल भी है आपको कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना ये जो रिपल इफेक्ट है वो ए, कंट्रोल नहीं होगा इन अदारों से बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सन साहब तशरीफ़ लाने के लिए खालिफ्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशो महताहताज साहब आप तशरीफ़ लाए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नाजिन ये वाकई जितने सोशल साइंटिस्ट हैं वो एक बात तो पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि महंगाई जो है वो जराइम की माँ होती है मैं एक अली अफसर के पास हमारे पास ही मौजूद थे उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड कहा ऑन रिकॉर्ड वो हाजिर सर्विस थे कह नहीं सकते थे उन्होंने कहा कि बिजली आप जितनी महंगी करते चले जाएंगे बिजली की चोरी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसके नतीजे में आम आदमी हर वो आम आदमी जो ये समझेगा कि मैं बिल नहीं दे सकता और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बिजली चोरी करेगा क्या ये बात हैरत अंगेज़ नहीं है कि हमने नई बात अखबार के कलर एडिशन के लिए एक फोरम किया और उलमाए कराम से पूछा कि क्या बिजली के जो बिलों में टैक्स लगे हुए हैं क्या उनकी कोई शरी हैसियत है और क्या जो बिजली चोरी की बात की जा रही है आम आदमी जो है बिजली चोरी कर सकता है तो आप यकीन कीजिए कि उनमें से बाय क़राम ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जिस आदमी की इनकम कम है और उसका बिल वो पे नहीं कर सकता उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती तो उसके लिए बिजली चोरी को अगर वो मुफ्ती बन जाएँ तो वो फतवा देने के लिए तैयार हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है अल्लाह हाफिज़